आज की इस वीडियो में हम लेडीबग की लाइफ साइकिल के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, लेडीबग जिसे हिंदी में गुबरेला कहा जाता है, लोग इसे किसानों के मित्र के रूप में जानते हैं, क्योंकि ये फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले में एफिड्स और अन्य कीड़ों को खाकर फसलों को सुरक्षित करते हैं। आज की दुनिया भर में इस लेडीबग की लगभग 5,000 से भी ज्यादा प्रजाति पाए जाते हैं, जो दिखने में बहुत ही खूबसूरत और रंग बिरंगे होते हैं। दोस्तों, खूबसूरत दिखने वाले इस लेडीबग को इनके जीवन भी काफी ज्यादा खूबसूरत होते हैं और इसे खेतों में अक्सर देखने को मिलता है। ये कई कलर की में पाए जाते हैं। जो इनके खाने के बारे में बात करा जाए तो ये दूसरे कीड़ों को खाकर जीवित रहते हैं। वीडियो को आगे बढ़ने से पहले बता दूं, इस वीडियो को आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जैसे कि इसी तरह वीडियो सबसे पहले आपसे पहुंचा करे। तो चलिए लेडीबग की लाइफ साइकिल के बारे में जान लेते हैं। लेडीबग की लाइफ साइकिल में 4 स्टेज होते हैं, एक लार्वा, पुपा और एडल्ट, जिसकी शुरुआत नर और मादा के मिलन की प्रक्रिया से शुरू होते हैं। जैसे कि आप देख ही सकते हैं, इनके मिलन की प्रक्रिया 1 से 3 मिनट का मिलन का प्रक्रिया होते हैं और मिलन का प्रक्रिया जब समाप्त हो जाता है, ऐसा ही कुछ दिन के बाद अंडे देने की अवस्था में आ जाते हैं मादा। मादा सुरक्षित स्थान ढूंढ कर वहाँ पे अंडे देने लग जाते हैं। ये अंडे पत्ते की निचले हिस्से में देते हैं और ये अंडे एफिड कीट पतंगे के सामने दिया जाते हैं। अंडे से बाहर निकलने के बाद ठीक तरह से भोजन प्राप्त हो सके, लार्वा इन एफर्ट्स का खाकर और बहुत ही तेजी से विकसित हो सके। लेडीबग अंडे देने की प्रक्रिया एक ही अंडे देने के टाइम पे 1 से लेकर 30 तक अंडे दे देती है, जिसमें से कुछ तो फर्टिलाइज और कुछ अनफर्टिलाइज ईग होते हैं। अनफर्टिलाइज ईग से लार्वा नहीं निकलते। लेडीबग इन्हें पहले भोजन के रूप में दे देती है लार्वा को, ताकि अंडे से निकलने के बाद लार्वा इन अनफर्टिलाइज ईग को खाकर बहुत ही तेजी से विकसित हो सके। लेडीबग के अंडे से लेकर लार्वा बनने में 10 से 15 दिन का समय लग जाते हैं, जबकि लार्वा में पूरी तरह से विकसित होने के लिए 1 हफ्ते से लेकर 2 हफ्ते के समय भी लग जाते हैं। ये लार्वा अवस्था में 300 से 350 की कीट पतंग खाकर जीवित रहते हैं। दोस्तों, लेडीबग की लार्वा कई रंगों की होते हैं और तो और इन्हें देखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत भी लगते हैं। दोस्तों, लार्वा बनने के 2 हफ्ते के बाद लाइफ साइकिल के 3रे चरण में जाके पहुँच जाते हैं और ये लार्वा से पुपा में बदल जाते हैं, जिसमें 7 से लेकर 15 दिन तक रहते हैं और ये इनके पूरे चरण में पत्ते से जुड़ा होते हैं, जिस दौरान लेडीबग के पंख और आंख, सिर, पैर ये सारे विकसित होने लग जाते हैं और ये 7 से लेकर 15 दिनों के बाद पुपा को तोड़कर एक लेडीबग बाहर आते हैं। दोस्तों, पुपा से निकलने के बाद लेडीबग हल्का रंग का होते हैं और इनका कबाज बहुत ही ज्यादा मुलायम होते हैं और इनके बाहरी पराग बहुत ही नाजुक होते हैं, अन्य शिकारी जीवों से बचे रहने के लिए कार्य करते हैं और ये बहुत ही जल्दी और तेजी से इनका मजबूत कबज बन जाते हैं और यही से पार सभी शीश मजबूत हो जाते हैं और यही से नया उड़ान भरने के लिए तैयार हो जाते हैं और यहाँ पे जाके लेडीबग एडल्ट स्टेज में जाके पहुँच जाते हैं और लेडीबग नया उड़ान भरने के लिए तैयार हो जाते हैं। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक, कॉमेंट, शेयर जरूर करना। और एक बात है, जैसे कि इस चैनल में आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जैसे कि इसी तरह वीडियो सबसे पहले आप सब पहुँचा करे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो पे।